सोलन में बारिश होने से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर सोलन के पुराने बस स्टैंड पर लगने वाली किसान मंडी में अपना उत्पाद बिक्री करने आए किसानों को इन दिनों बरसात के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी से किसानों व ग्राहकों दोनों को ही फायदा होता है। किसान खेतों से सीधा अपनी फसलों को लाकर ग्राहकों तक पहुँचाता है और बिचौलियों की मुनाफाखोरी से बचता है। इससे ग्राहकों को भी ताजी व उचित मूल्य पर सब्जियां मंडी में उपलब्ध होती हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसान को फायदा पहुंचाने के लिए स्थान को चयनित किया था, लेकिन बरसात के चलते मंडी में बिक्री के लिए आई सब्जियां भीगने से सड़ रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान मंडी से सब्जियां बिक्री करने आए किसानों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि जिस स्थान पर किसान मंडी लगाई जाती है, उस स्थान पर शेड की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को हर मौसम में अपना उत्पाद बेचने में सुविधा हो सके। घर से सामान ले आते हैं, बेचते हैं, बारिश में माल खराब हो जाता है हमारा बहुत ज्यादा। ये बारिश से बहुत बुरा भीग के वजह से आलू प्याज सड़ जाते हैं हमारे, जो भी आप जाते हैं हमारे मोटे कुछ किसान आदमी, हम गर्मी में धूप से सड़ जाते हैं, सर्दी में बारिश से सड़ जाते हैं, मैं नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई शेड टूट पड़ जाए तो इसका कोई इंतजाम करना चाहिए। बारिश में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बारिश में ना ऊपर छत है ना कुछ नहीं है, सारी सब्जियां सड़ जाती है, गल जाती है बारिश से, फेंकड़ी पड़ती है। उल्टा करेले तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं बारिश पड़ने से, करेले और मटर, आलू और प्याज। इसलिए हमारे को छत चाहिए ऊपर, अगर हमारे प्रशासन या कमेटी या डीसी साहब छत डाल दे तो हमारी सब्जियां जो सड़ने गड़ने से बच जाएंगी। मैं किसान परमदेव सलोगड़ा से हूँ जी, और यहाँ बारिश से बहुत बुरा हाल है जी, और कभी हमें सब्जी ढकनी पड़ती है, कभी धूप पड़ती है और सब्जी सारी सूख जाती है। यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है किसानों का, गाहक भी इस टाइम बहुत कम है बारिश की वजह से। हम चाहते हैं कि हमारे को कोई साइड वगैरह की व्यवस्था हो जहाँ हम अच्छे ढंग से अपनी सब्जियां बेच सकें।